हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ स्मॉल फिश फ्राई की रेसिपी शेयर करने वाली हूं और इसे बनाना बहुत ही आसान है और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। अगर आपको स्मॉल फिश फ्राई करना नहीं आता है तो आप इस वीडियो को पूरे एंड तक देखिए, उम्मीद है आपको बहुत पसंद आएगा। चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। स्मॉल फिश फ्राई बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 250 ग्राम सबसे छोटी मछली ली है, जिसे हम झारखंड में बूदू मछली के नाम से जानते हैं, और इसे मैंने अच्छे से साफ करके वॉश कर लिया है। इसमें कम से कम 1000 छोटी मछली तो जरूर होगी। अब इसमें हम आधा चम्मच हल्दी पाउडर, थोड़ा सा नमक, नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें, और इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब हम गैस ऑन करेंगे और तावा को गर्म होने देंगे। छोटी मछली को हमेशा तावा पे ही फ्राई करें। तावा गर्म हो चुका है, अब इसमें हम थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका है, अब इसे हम तावा के चारों तरफ इस तरह से फैला देंगे, जिससे कि हमारा जो फिश है वो नीचे से चिपकेगा नहीं। अब इसमें हम सारे फिश को डाल देंगे और फिश को इस तरह से फैला देंगे, जिससे कि हमारा जो फिश है वो अच्छे से फ्राई होगा, और इसे हम मीडियम फ्लेम में दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन हो जाने तक फ्राई कर लेंगे। देखिए फिश एक साइड से गोल्डन ब्राउन हो चुका है, अब इसे हम टर्न कर देंगे। और हम इसे दूसरे साइड से भी गोल्डन ब्राउन हो जाने तक फ्राई कर लेंगे। फिश को कभी भी हाई फ्लेम में फ्राई ना करें, नहीं तो फिश खली ऊपर से जल जाएगा और अच्छे से फ्राई नहीं होगा। देखिए हमारा जो फिश है वो दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब हम गैस को ऑफ कर देंगे। देखिए हमारा फिश फ्राई बनकर रेडी है। अब इसे हम गरमागरम सर्व करेंगे। देखिए यहाँ पे मैंने स्मॉल फिश फ्राई को सर्व कर लिया है। आप इसे गर्मा गर्म दाल चावल के साथ सर्व करें। दाल चावल के साथ ये बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगता है। आप चाहे तो इसमें थोड़ा सा नींबू का रस डाल के भी खा सकते हैं। आप भी इस तरह से एक बार स्मॉल फिश फ्राई जरूर बना के देखिएगा, उम्मीद है आपको बहुत पसंद आएगा। आपको मैं एक बार फिश को दिखाती हूँ। देखिए हमारा जो फिश है वो कितने अच्छे से फ्राई हुआ है, और सारे फिश एक दूसरे से चिपके भी नहीं है और एकदम खिले खिले फ्राई हुए हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे, जिससे मेरे आने वाली नेक्स्ट रेसिपी की आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।